Have a look at the piece. Isn't it looking beautiful? कमाल नहीं लग रहा देखने के अंदर. And five star chef की recipe है कि यार ते कमाल तो होना ही सी. You can't compare chicken with mutton. You can't compare fish with mutton. You can't compare anything in this world with mutton, man. रुमाली नीचे है, पीस ऊपर है, गर्मा गर्म रुमाली, गर्मा गर्म चिकन, ये बड़ा धुआंदार है by the way. Three, two, one. Yo yo yo, what's up people? I hope everyone's doing great. My name is Shaurav and स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर. Guys, आज मैं बड़ी खास जगह में हूँ, only because I met somebody जो 5-star में एज अ शेफ नौकरी करते हैं और वहाँ पे अपना खाना लोगों को खिलाते हैं. इन्हीं की शाम को अपनी एक कार्ट लगाते हैं जहाँ पे अपनी रेसिपी जो 5-star में दे रहे हैं वो यहाँ पे देते हैं. सो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे लोग दे रहे हैं चंपारण चिकन, मटन एंड फिश, सब कुछ लाइव बन रहा है. इनफैक्ट बिरयानी इज़ वेल, सब कुछ लाइव बन रहा है हांडी हुंडियों के अंदर. आपको दिखाता हूँ ये कैसे प्रेप वगैरह कर रहे हैं और उसका फिर ऑर्डर करेंगे. जेन्युइन फीडबैक दूंगा वीडियो के अंत तक, बन रहे हैं, बी अ लॉट ऑफ फन. और हाँ, एक और बात, खुशबू पता कितनी आ रही है यहाँ पे. चलें, लेट्स स्टार्ट. गाइस, ये एक लुक एंड फील है. अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ हांडियां देख रहे हो आप, इन हांडियों पे ये लोग सर्व करते हैं. इसमें सर्व होता है ना सब कुछ? यस सर, इसी में सब कुछ सर्व होता है. गाइस, ये सारी हांडियों में सर्व करते हैं. और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हो रही है प्रॉपर लाइव कुकिंग. आई एम वेरी हैप्पी दैट दे यूजिंग कोल. ये पूरा कोल में काम हो रहा है, एब्सोल्युटली किलर लग रहा है देखने के अंदर. भाई, इसमें क्या प्रिपेयर हो रहा है? इसमें मटन सर. मटन, और ये क्या आइटम है? ये चिकन है, ये फिश है. ये चिकन फिश है, चलो बहुत बढ़िया. गाइस, ये इनका एक मेन्यू पे नजर मार लो. मटन हांडी, चिकन हांडी, फिश करी, बिरयानी, ये सब दे रहे हैं. और ये मटन थाली वाली भी दे रहे हैं. अच्छा, दूसरी चीज़ देख लो, इनके ना ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं. 56 में दो हैं, इन्होंने मुझे बताया था, प्लस 49, 46, 23, 14, बहुत सारी ब्रांचेस हैं यार. मैं सबका डिटेल्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर. अच्छा गाइस, है क्या, जो ओनर साहब हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है आज, तो दैट्स अ बैड लक. बट देन व्हेन आई से ही इज एक्चुअली अ शेफ, देन आई कांट डिस्क्लोज द होटल्स नेम, बट आई एम वेरी श्योर इज ओनली बिकॉज आई नो हिम वेरी वेल. एंड वो 5-star में नौकरी करते हैं. जिनसे मैं आपको मिलाऊंगा वो उनके मैनेजर हैं, उनसे कुछ बात बातें करते हैं, कुछ हिसाब किताब पूछते हैं यहाँ पे क्या है. आपका नाम क्या है? प्रशांत. प्रशांत, ये सर. प्रशांत भाई, क्या ओनर साहब आ जाए नहीं? आज आए नहीं सर, कुछ मीटिंग था इसलिए चले गए थे. चलो कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, मुझको ये बताओ कि ये जगह कितनी पुरानी है आपकी, यहाँ कब से लगा रहे हो? सर, हमारे ये रिसेंटली न्यू ओपन हुआ है. यहाँ वाली ब्रांच सबसे पहली ब्रांच कौन सी है? सेक्टर 56. 56 वाली सबसे पहली ब्रांच है. वहाँ पे दो है. अच्छा, बस सेक्टर हुडा मार्केट में और फ्लावर मार्केट, वहाँ पे दो है. अच्छा, यहाँ पे है और एक 49 में, ठीक है, 23 पे. वो तो मैंने दिखा दिया लोगों को भी. अच्छा, दूसरी चीज, डेली खुले होते हो? एवरीडे सर. ट्यूजडे? एवरीडे. ट्यूजडे भी खुले होते हो? अच्छा, ट्यूजडे भी खुले होते हो. प्रशांत भाई, क्या खिलाओगे यार? सर, आपके लिए तो सब कुछ है, जैसे मटन है, चिकन है, फिश करी है और बिरयानी है. आप एक काम करो, मेरे को ना थोड़ा थोड़ा सबका पोर्शन दे देना, मेरे को सिर्फ टेस्टिंग करनी है और रुमाली रोटी साथ में दे देना. श्योर सर, श्योर. ठीक है, चलो, थैंक यू. गाइस, मैं पीछे जा रहा हूँ दिखाने के लिए आपको. जस्ट हैव अ लुक गाइस. पता मुझे अच्छा क्या लग रहा है, इसका कलर एब्सोल्युटली ब्राउन. ये बे लीफ है, ऑब्वियसली तेज पत्ता है जो मैं दिख रहा है इस टाइम पे, ज्यादा व्यू नहीं कर पा रहे, बट जब प्लेट में आएगा तो ऑब्वियसली क्लियर व्यू आएगा इसका. कितना अच्छा लग रहा है इसमें रोगन, देखो इसमें गोश्त, देखो अंदर कितना कमाल लग रहा है. सो ये पैकिंग इस तरह की आपको मिलेगी अगर आप कराते हो. इस खास बात दिखाऊं, ये ऐसे बनाना लीफ में देते हैं सर्विंग जब करते हैं ना, अगर आपको लाइव खाना है यहाँ पे. ये देखो प्लेट पे सारी पड़ी है और ये ऐसे काम हो रहा है. ये एक है, ये सर चिकन है. चिकन है, पहले धुआं निकले तो इसका धुआं बड़ा दिक्कत रहता. गाइस, ये चिकन है, धुआं बहुत सारा आ रहा है, वेट करते धुआं थोड़ा हटने की फिर आपको दिखाता हूँ. गाइस, लुक एट द चिकन यार, एकदम ब्रिलियंट लग रहा है देखने के अंदर. कैन यू सी द स्मोक? मुझे अच्छा है कि आटे से ना जो उन्होंने पूरा सील कर रखा है हांडियों को, सो दैट द फ्लेवर्स आर इंटैक्ट इनसाइड. बहुत अच्छा लग रहा है देखने के अंदर. भैया, थोड़ा सा ग्रेवी भी निकाल के दिखाएंगे ना, जब इसको ट्राई करेंगे ना तब समझ आएगा. ये देखो जी, लेग पीस निकाल दिया इन्होंने, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि बस धुआं ना आए किसी तरह कैमरे के अंदर. पता है गाइस, उन्होंने मेरे पे लाइट मार रखी है ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, बट एनीवे इतना फैंटास्टिक लग रहा है देखने के अंदर. सी, पहले मैं क्या करता हूँ, आई ट्राई एंड टेक अ विजुअल ट्रीट कि पता चले देखने में कैसा है, क्योंकि पहले हम आंखों से खाते हैं. जब मैं टेस्ट करूंगा तो आपको जनरली बताऊंगा है कैसे, बट अब अनटिल नाउ आई एम इम्प्रेस्ड, अब तक अच्छा लग रहा है. टाइमिंग क्या अपने? सर, हम लोग इवनिंग खुलते हैं ऐसे 4 बजे से लेकर 11 बजे तक. 4 से 11 बजे तक. गाइस, ये बिरयानी है जो सामने पड़ी है, इसको भी बिल्कुल सील कर रखा होगा आपने. क्या बात है.
मतलब मेरी इनके मैनेजर साहब से बात हो रही थी, ही सेड इनकी ना अभी 6 ब्रांच है, उन्होंने 10 करनी है। आई रियली रियली लाइक पीपल हु आर सो पैशनेट अबाउट फूड एंड टू एक्सपैंड देयर बिजनेस। कोई स्टोरी नहीं है पीछे, चला काट रहे कोई स्टोरी नहीं है, सिंपल मेहनत करके बढ़ना आगे। तो अच्छा, आई अप्रिशिएट दैट यार, हार्ड वर्क पेज मैन। और दूसरी चीज़ क्या थी कि जोमेटो स्विगी वगैरह में डिलीवर करते हैं, बाय द वे आस पास रहते हैं ना, ऑर्डर कर लेना घर पर। है ये क्या है सर? ये फिश है, दिखाओ जी। Guys, just have a look at the piece यार, एकदम कमाल लग रहा है देखने के अंदर। I'm very happy with the consistency of the gravy। अगर आपको दिखे थोड़ी सी थिक है, with skin fish। अब ये skin के साथ है ना fish? Yes sir। चलो बहुत बढ़िया, कलर भी अच्छा लगा, ट्राई करते हैं इसको। ये पूरी मस्टर्ड में बनी होगी, मस्टर्ड ऑयल में? नहीं मस्टर्ड नहीं, ये सब काली है, इसे काजू और किशमिश में होता है। नहीं बट तेल कौन सा इस्तेमाल होता है इसमें? मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल ना, वही पूछ रहा था। ठीक है, कूल है, ट्राई करते हैं। सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार, पता है इतनी ज़्यादा मेहनत चल रही है काम के अंदर। बैक टू बैक गोइंग ट्राइंग टू फिगर आउट प्लेसेस फॉर यू पीपल, यू नो आई एम नॉट सेइंग कि मेरे हार्ड वर्क में फ़र्क आएगा अगर आप करो ना करो, बट देन यू ऑब्वियसली फील अ लिटिल बूस्टेड, मोराल तुम्हारा थोड़ा अच्छा हो जाता है। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, यू कैन कनेक्ट विद मी पर्सनली, DM कर सकते हो, एंड देन आई वुड रिवर्ट जब भी टाइम होगा। सो यू नो वॉट, अच्छी से फैमिली आगे चलेगी, है कि नहीं? करो सब्सक्राइब और फॉलो इंस्टाग्राम पे, जल्दी करो। कैसे कुछ खान लगा रहे हैं, आई लाइक द सीटिंग, इन्होंने मेरे लिए स्टूल्स लगाए हैं यहाँ पे, सच अ नाइस थिंग यार। और यहाँ पे स्टूल्स लगे हैं, यहाँ भैया काम कर रहे हैं। कपल ऑफ थिंग्स दैट आई रियली लाइक, जब जब तक मुझे इम्प्रेसिव लगी, एक तो वो जो आपने बनाना लीफ वाला काम नहीं देखा था वो प्लेट के ऊपर था, वो वेरी कूल, वो अच्छा लगा मेरे को। प्लस हांडियों में फ्रेश बन रहा था, जब मैं आया था ना तो सब फ्रेश तैयार हो रहा था, दैट रियली मेक्स यू हैप्पी कि खाना गर्मा गर्म फ्रेश बन रहा है, कल का कुछ नहीं है, तो वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। तीसरी चीज़ अच्छी लगी इनका पैकिंग वाला सिस्टम, जो हांडियों में दे रहे हैं पैक करा के, वो आटे में सील करके पूरा दम लगा के, तो उससे क्या होता है सारा धुआं वुआ फ्लेवर सारे इंटैक्ट रहते हैं अंदर, वो भी बड़ा कूल है। एनीवे देखते हैं कैसे खाना प्रेजेंट करते हैं, फिर ट्राई करते हैं। इनका टेलीफोन नंबर है, बाई चांस अगर आना हो, अपने कॉन्टैक्ट करना हो, बिल्कुल कॉल कर सकते हो लोगों को आप। गाइस द वेदर मैन, पता कितना सेक्सी वेदर है इस टाइम पे, हल्का हल्का तो नहीं, काफ़ी चली आज, विंडी भी है, बट यस आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द हांडिया सिस्टम यार। फूड इज लाइफ फॉर मी यार, इट्स समथिंग दैट आई एम रियली रियली पैशनेट अबाउट यार, एग्जैक्टली व्हाट आई डू, एंड आई फील वेरी हैप्पी दैट पीपल लाइक देम इतना हार्ड वर्क करते हैं यार, मजा आता है ना देख के। एनीवे ट्राई करते हैं खाना। और गाइस खाना आ चुका है, इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली ऑथेंटिक, फैंटास्टिक लग रहा है देखने के अंदर। पहले मैं सोचा था इसमें क्या दिया है, बट जब मैंने इसके अंदर देखा ना, इसमें रायता है, ये मैं आपको तब दिखाऊंगा जब बिरयानी के साथ खाऊंगा ऑब्वियसली। अच्छा, इन्होंने मेरे को ये पूरी हांडियाँ दी हैं जी, देख लो ऐसी पैकिंग होके मिलता है, पूरा दम लगा हुआ है इसमें, कमाल लग रहा है। आई लव द बनाना लीव्स वाला काम, ये देख लो जी, रुमाली से सारा बनाना लीव्स के तरीके से दे रखा है। ये फिश है इनकी और ये बिरयानी है, ट्राई करते हैं। आई थिंक ये साथ में इन्होंने वो दिया यार, खीरा और प्याज वगैरह, थोड़ा कॉन्डिमेंट्स वगैरह हो गए ना, है कमाल होना चाहिए ना। बट ऑनेस्टली बताऊँ तो इट्स लुकिंग वेरी इंप्रेसिव इन अ वे दैट इट्स लुकिंग वेरी ऑथेंटिक। अबे टेस्ट टाइम, स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बिरयानी से, पहले बिरयानी से फ्री हो जाएंगे, फिर ग्रेवी आइटम में आएंगे, हैं ओके गाइस। सबसे पहले चालू करते हैं बिरयानी से, ये इसका कैसे पूरा पीस लूँगा मैं हाथ में, ठीक है, और साथ में लूँगा राइस, ट्राई करें। ओके करें, 3, 2, 1 ट्राई कर दो यार। चिकन की बताओ अच्छी बात क्या है, ये देखो ये इट्स फॉलिंग ऑफ द बोन, नरम एकदम गला हुआ, ये वेरी वेरी अर्दी फीलिंग, पूरा हांडी का फील आ रहा है, धुआंदार स्मोक फीलिंग जिसे हम कहते हैं। राइस बड़े अच्छे हैं, वेरी फ्लेवरसम, अच्छी बात क्या है ग्रीसी नहीं है, हालांकि ग्रीसी मुझे पसंद है, बट ग्रीसी ना होने का मतलब ये होता है कि प्रॉपर बिरयानी होना चाहिए, बल्कि ग्रीसी थोड़ी पुलाव वाली फील आती है। ये देखो रायता, इसको हल्का सा डालते हैं, ये देखो जी, ये देखो ये रायता डाल रहा हूँ, आई लव द ग्रीन्स, थोड़ा बिरयानी पे भी डालते हैं ट्राई करने के लिए। ऐसे पी भी सकते हो, पियेंगे बिल्कुल पियेंगे यार, बिल्कुल पियेंगे, चिंता मत करो, पहले बिरयानी से ट्राई कर लो, थोड़ा डालते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, अपने आप में बड़ा रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है यार, मैं तो खाता रहूँगा इसमें, इसको रखते मच्छी पे, क्योंकि प्लेट पे डली हुई ना ऑलरेडी, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके टेक रुमाली, बट बिफोर आई टेक रुमाली आई थिंक आई वांट टू शो यू द पीस, देखो जी गाइस लुक एट द पीस ऑफ फिश, ये थोड़ा सा बंगाली टाइप भी लग रहा है ना, फिश का दिया है ना, हाँ अच्छा लग रहा है देखने में, इट्स लुकिंग रियली गुड। आई लव बनाना लीफ के साथ जो फील आ रहा है, ये देख लो बहुत अच्छी लग रही है देखने के अंदर, ट्राई करें, ट्राई करते हैं इसको, रुमाली के साथ दूंगा, ग्रेवी आइटम है ना, सूखी लेने का फायदा नहीं है,
ले लेते हैं अच्छी सी बाइट। अच्छा गाइस एक बात जानना, विद बोन फिश होती है ऑब्वियसली, तो थोड़ा ध्यान से खाना जब खाओ आप लोग, क्या भी ध्यान से खा लो सारी बोन्स निकाल निकाल के। ओके ये मैंने पूरी बाइट बनाई है A1 है, हल्की सी ठंडी हो गई है बट मुझे बड़े कमाल लग रही है खाने में। हांडी में गर्मा गर्म देखी थी या ठंडी है, पर आई लव द फ्लेवर्स, आई लव द करी, वेरी ऑथेंटिक। और फिश की अच्छी बात है क्या, मुंह में घुल जाती है जो इधर भी और काम हो रहा है, पूरा काजू का फ्लेवर आ रहा है। अरे सब A1 है, सबसे बड़ी बात है क्या, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट दैट आई रियली लव। एनीवे रुमाली को ये रखते हैं, अब आते हैं उस पर, भैया प्लेट देंगे गौरली साहब, थैंक यू। अच्छा वो आपका कहाँ है खर्ची, ये रही, थैंक यू भैया, यहाँ भैया खड़े हुए हेल्प कर रहे हैं साथ साथ। एनीवे ट्राई करते हैं चिकन से, अच्छा सा एक पीस डालते हैं चिकन का। गाइस ये पूरा बना दिया एक पीस के साथ, ग्रेवी ले लिया, आई डोंट वांट टू वेस्ट इट, उसको मैं घर लेके चल जाऊंगा, पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। एनीवे ट्राई करें। ओके भैया रुमाली मेरे को फ्रेश दीजिए, एक रुमाली, एक फ्रेश रुमाली दीजिए ना, इनकी गलती नहीं है रुमाली के अंदर, इज ओनली बिकॉज मौसम है ना, और मैं रिव्यू दे रहा हूँ साथ साथ, तो व्हाट हैपेंस इज रुमाली कड़क हो जाती है सर्दी के मौसम में। गाइस रुमाली आ गई, अब ट्राई करते हैं चिकन को। ये देखो जी, देखो ये पीस है जी, पूरा का पूरा रुमाली नीचे है, पीस ऊपर है, गर्मा गर्म रुमाली, गर्मा गर्म चिकन, ये बड़ा धुआं आ रहा है बाय द वे, लेट्स गो इन। वाह ओके कर दो सब्सक्राइब। अब ये रूह खुश है, हाँ हाँ हाँ, ये होता है कमाल, द बैलेंस इज राइट, आई लव द मसालास, नॉट वेरी स्पाइसी, नॉट वेरी, नॉट ब्लैंड, बिल्कुल मीडियम है, चिल्ड्रन कैन हैव इज वेल, वेरी लाइट, जितनी आपको हैवी लग रही होती है नहीं, द गुड थिंग इज दैट गर्मा गर्म हांडियों में दे रहे हैं, दैट्स अ रियली गुड थिंग। गाइस इसको भी रखते हैं साइड पे, रुमाली यहाँ रखता हूँ बिकॉज मटन की बारी है, द मेन डिश, द सिग्नेचर डिश, चंपारण मटन बहुत लोग शौक से खाते हैं, अब इसको ट्राई करते हैं, मेक प्लेट दीजिए प्लीज। ओके गाइस अब मटन की बारी है, मैं आपको पीस निकाल के दिखाता हूँ, एक मिनट पहले पीस देखो, हैं हैव अ लुक एट द पीस, इजंट इट लुकिंग ब्यूटीफुल, कमाल नहीं लग रहा देखने के अंदर, आई एम सो हैप्पी टू सी इट। ओके ट्राई करते हैं इसको, अच्छे से पीस डालते हैं। गाइस एक अनोखी चीज़ दिखाऊँ आपको, ये देखो ये इनका गार्लिक का पीस, अगर आपको दिख रहा है एकदम कमाल लग रहा है देखने के अंदर, इसको ट्राई करते हैं साथ में पीस के, इसको डालता हूँ मैं इस पर करी लीफ पे, मैंने गलती से मटन वहाँ डाल दिया यार, एक और पीस ले लेते हैं, क्या है नहीं एक्चुअली रहने दो यार, खाना वेस्ट ही करना चाहिए पता ना। ओके अब मैं वेस्ट कभी नहीं करता यार, हमेशा पैक कराता हूँ। एनीवे लेट्स गो इन, लेट्स ट्राई देयर मटन, मटन की बारी है कि आप। ओके रुमाली लेते हैं बढ़िया से, पहले पीस ही खाऊंगा ऑब्वियसली, ये पीस है, ये तोड़ना है हमने गोश्त, ठीक है रोगन में इसके डिप करना है, और ये जी, और ये है जी, इट्स लुकिंग सो अमेजिंग यार, आई एम सो हैप्पी टू सी इट, इंडियन फूड्स एक्चुअली जवान यार, किलर लगता है, एंड बिहारी खाना ना पहले मैं नहीं खाता था, जब मैंने फूड चैनल चालू किया तब ट्राई किया, आई रियली एंजॉयड इट। ओके लेट्स गो इन, you can't compare chicken with mutton, you can't compare fish with mutton, you can't compare anything in this world with mutton man, wow, the feel is so different, I love the flavors, I love the balance, the masalas are right, I love ki na bada smoke feeling aa raha har kisi ke andar, that's because obviously inhone handiyon mein banaya hua hai, pura seal karke rakhte hain aata se, pura dam lagate hain us pe, dil ko jo aata hai, ek aur bite lunga par pehle lunga garlic ke saath, imagine kabhi garlic ki koi bite leta hai, garlic ka clove karo yaar। ओके दैट इज सो फनी, नरम सा नरम सा, ये बहुत सारा गार्लिक डाल दिया, ठीक है ग्रेवी डिप करूँगा ऑब्वियसली, गार्लिक नहीं खाऊंगा। ओके दैट्स आवर इज, कमाल हो गया, पता है मटन मेरा फेवरेट है अमंगस्ट ऑल, आपको मेरे एक्सप्रेशन समझ आ गया होगा, सी अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना तो फेवरेट ऑब्वियसली मटन है, सेकंड पे चिकन आता है, थर्ड पे बिरयानी, नहीं थर्ड पे फिश, होते बिरयानी, नॉट दैट बिरयानी इज नॉट गुड, बट मुझे ग्रेवीज और करीज में ज़्यादा फ्लेवर आ रहा है पता। और एक सबसे वियर्ड बात क्या है, रायता को ना
मैं मटन के लेवल पे लाऊंगा। हालांकि यू कांट कंपेयर दीज टू आइटम, ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, बट रायता इज सो रिफ्रेशिंग विद दिस मसालेदार फूड, यू नीड रायता। एनीवे गाइस, जितना खाता हूँ बाकी सारा पैक कराऊंगा, खाना वेस्ट नहीं करूंगा, फिर मिलता हूँ आपसे। हाँ जी, खाना खा लिया, वॉज मोर देन माई एक्सपेक्टेशन यार, दिल खुश हो गया, थॉरली एंजॉयड माई सेल्फ, द मटन वॉज टू डाई फॉर, इट वॉज रियली रियली गुड, एंड सो वॉज द चिकन एंड सो वॉज द फिश एंड सो वॉज द बिरयानी, वेरी गुड यार, अच्छा काम कर रहे हैं लोग, एंड फाइव स्टार शेफ की रेसिपी हैगी यार, तो एक कमाल तो होना ही सी। एनीवे, रायता वॉज गुड बाय द वे, कोई भूलना, आई लव्ड इट मैन। ओके, दिस इज इट फॉर द वीडियो, अगर आपने यहाँ पहुँचना हो तो मैं ना लोकेशन वगैरह डाल दूंगा इस जगह की डिस्क्रिप्शन में, एड्रेस भी, अच्छा लोकेशन मैं डालूंगा, इनके साइड पर दुकान है ज्ञानीज और डेंटल केयर की, उसकी साइड पे बना हुआ है बिल्कुल, तो आपको जगह ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, प्राइसिंग भी डिस्क्रिप्शन में होगी, ठीक है। YouTube पे सब्सक्राइब करो और चैनल बढ़ेगा, क्या करेगा, बढ़ेगा है, इसके अलावा Instagram पे रोरा शोएब ब्लॉगिंग है, वहाँ भी फॉलो कीजिए, एंड Facebook पे शोएब रोरा ब्लॉग ब्लॉगिंग है, वहाँ भी फॉलो कीजिए। दिस इज इट फॉर द वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून, अंटिल देन टेक केयर, हैव फन।